छिंदवाड़ा में ग्राम बुर्री कला के दो युवकों से गुड़ी अंबाड़ा पुलिस चौकी में बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस मामले में छिंदवाड़ा एसपी ने थाना प्रभारी को निलंबित करते हुए मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। छिंदवाड़ा के जंगल में बकरी चराने गए दो युवक राजेश और बीरबल को वहां एक मोबाइल मिला था, जिसे उसके मालिक को लौटाने को लेकर विवाद सामने आया। सुरेंद्र यादव नामक युवक ने मोबाइल अपना बताया और कहा कि मोबाइल घर बुर्री खुर्द लाकर देना, पेट्रोल का खर्च दे दूंगा। दोनों युवक मोबाइल लौटाने पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई। दूसरे दिन घटना की शिकायत थाने में की गई तो ग्राम कोटवार में उन्हें गुड़ी अंबाड़ा ले गया। यहां पुलिस चौकी प्रभारी कविता पटेल, सुरेंद्र यादव, गुलजारी उर्फ राम प्रसाद एवं दो पुलिसकर्मी ने बुरी तरह से मारपीट की। ये सभी मेरे संघ परिवार से हैं और कल परसों के दिन इनको एक मोबाइल पड़ा मिला था कीपैड बुर्री कला में, तो इन्होंने उस नंबर पे उसका फ़ोन आया तो इन्होंने बताया कि मोबाइल हमारे पास है, तो उसका कहना था जिस मोबाइल वाले का कि आप हमारे तक घर तक ला दो, तो इनका कहना पड़ा कि हम आएंगे नहीं, आप घर से आके ले आओ। तो उन्होंने फिर भी बोला कि हम पेट्रोल का पैसा दे रहे हैं, आप घर ला के दो। तो इन्होंने घर ले आके मोबाइल दे दिया परसों, और कल उन्होंने जिनको मोबाइल वापस किया, कल उन्होंने इनके खिलाफ़ FIR दर्ज करना कहा कि 10,000 रुपये इन्होंने हमारा चुराया, हमें मारपीट किया है और मोबाइल भी हमारा छुड़ाया था, जबकि मोबाइल उन्हें घर ले आके इन्होंने वापस कर दिया। इसमें गुड़ी अंबाड़ा पुलिस ने इन दोनों को उठाया है लगभग 10:30-11 बजे। इनके साथ इस कदर बेतहाशा मारपीट की गई है कि इनके हाथ पैर पूरे लाल हो गए हैं, ये चलने के काबिल नहीं बचे हैं। और जबकि इस मामले को लेकर अगर पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत था तो इनके खिलाफ़ प्रकरण दर्ज करती, शासकीय कार्रवाई करती। ये कुछ नहीं किया, इनके साथ मारपीट करने के बाद इनसे 10,000 का डिमांड पैसा मांगा और पैसा लेकर फिर पुलिस ने इनको छोड़ी है। थाना प्रभारी गुड़ी अंबाड़ा ने, नाम तो मेरी जानकारी में नहीं है, इनका कहना है कि 10,000 रुपये इन्होंने लिया तब छोड़ा है और बहुत मारा है इनको, मार तोड़ के इनके हाथ पे लाल तक कर दिए हैं। मोबाइल जीजा जी को मिला था जंगल में, फिर उस मोबाइल को हम उनके फ़ोन लगाने के बाद उनको वापस करने गए दूसरे दिन, जिसमें उनका लड़का सुरेंद्र यादव जी का फ़ोन आया था। उसके बाद उनसे मिले, मोबाइल उन्हें बोले कि आप, हमने बोले कि हमारे घर आ जाओ, तो उन्होंने बोले कि आप ही आ जाओ, हम पेट्रोल का जो भी खर्चा निकलता है दे देंगे आपको, मोबाइल वापस कर दीजिए। कीपैड वाला फ़ोन था तो मैं वहाँ पे ले गया, दोनों जन गए हम मोबाइल वापस करे, फिर उसके बाद घर वापस आए। उसके बाद एक दिन के बाद FIR दर्ज कर दिए, पुलिस वाले ने ले गया हमको और गुड़ी चौकी ले गया। उसके बाद वहाँ पे पुलिस वाले ने हमारे साथ बहुत मारपीट करी, जो कि वहाँ की SI है कविता पटले, उनके द्वारा हमारे साथ बहुत बेरहमी से जुल्म हुआ। साथ में दो इंस्पेक्टर पुलिस वाले भी थे कर्मचारी वहीं के, उन्होंने बहुत लठों से मारा हमें कि अभी तो छोड़ रहा, बोले परसों के दिन आप 10,000 रुपये दोनों यहाँ से जमा कर देना और इधर से ही कार्रवाई ख़त्म कर देंगे, बोले कोई केस नहीं बनाएंगे, ऐसा पुलिस वाले ने कहा। उनका नाम मेरे को पता नहीं पर मैं पहचानता हूँ। सर, हम ये चाहते हैं कि पुलिस वाले को इतना नहीं मारना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मारे हैं, कम से कम मेरे को 120 से ज़्यादा लट मारे हाथ में भी और रस्सी में बांध के, और लट टांगे सर ऐसे पीछे में और यहाँ से लट बांध दिए, उसके बाद मारना और पाइप में ऐसा एक पुलिस वाला खींच रहा था और मैडम मारी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उइके ने बताया कि पीड़ित युवकों की शिकायत पर जांच में सामने आया है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है। इस आधार पर चौकी प्रभारी कविता पटले को निलंबित कर जांच शुरू कर दी है। आज दो आवेदक राजेश वानवंशी और बीरबल आम्रवंशी, ये दोनों बुर्री कला थाना जुन्नारदेव के रहने वाले हैं, चौकी क्षेत्र पड़ता है अंबाड़ा, वहाँ के रहने वाले हैं। उनके द्वारा आज एक आवेदन दिया गया है, सुरेंद्र यादव, गुलजारी यादव और चौकी प्रभारी और थाना चौकी के दो कर्मचारियों के खिलाफ। उसमें उनका कहना ये था कि चौकी प्रभारी के द्वारा जो है और दो आरक्षकों के द्वारा उनके साथ में मारपीट की गई है। प्रथम दृष्टया देखने में भी समझ में आ रहा था कि हाँ, उनके साथ मारपीट हुई है। जब पूरे तथ्यों पर हम गए तो इसमें ये बात सामने आई कि जो राम प्रसाद यादव है, जिसके लड़के हैं सुरेंद्र और गुलजारी, राम प्रसाद यादव ने इनके खिलाफ लूट अपहरण और मारपीट की शिकायत चौकी में किया था। उसका मोबाइल गया था और वो मोबाइल इनके पास मिला था। उसी मोबाइल के क्रम में जो है, चूँकि मोबाइल के साथ में 20,000 भी जाना उसने बताया था, तो उसी संबंध में जो है उसको इनको चौकी में बुला करके पूछताछ की गई थी। तो प्रथम दृष्टया तो ये बात आई है कि जो है मारपीट हुई है, तो इस पे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया गया है
और जांच मुझे सौंपी गई है और मैं इसमें जांच करूंगा और जांच में जो भी तथ्य आएंगे वो पुलिस अधीक्षक महोदय को मैं प्रतिवेदन के माध्यम से दूंगा और जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई होगी। छिंदवाड़ा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह क्षेत्र होने के कारण इस मामले को पुलिस प्रशासन द्वारा भी गंभीरता से लिया जा रहा है। उपचुनाव को देखते हुए इस मामले में प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी गई है।